बरखा दत्त ने भी कुछ ऐसी बात की थी और पाकिस्तान जाके उन्होंने कहा जी आपको कुछ करना पड़ेगा मोदी को हटाने के लिए, अदरवाइज तो जीत जाएगा इलेक्शन के अंदर। तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी और उनको था कि मोदी कुछ कर नहीं पाएंगे और पूरी उन्होंने अपनी आर्मी लगा दी थी बॉर्डर पे कि अब घुस के दिखाओ। तो रॉ ने इनको तीन प्लेसेस थी उनकी इन्फॉर्मेशन थी, तीन बड़े कैंप से और बाकी छोटे थे। पीएम मोदी ने कहा भाई ऐसा है कि अटैक बड़ा हुआ है तो रिप्लाई भी बढ़ा देना पड़ेगा, लेकिन हर एक पाकिस्तानी खराब नहीं है। मेन आदमी जिसको ऑपरेशन का जाय दिया गया था उसने रिटायर होना था नेक्स्ट डे, और जब अटैक लॉन्च किया गया रात को तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो ट्रैक नहीं पर कर पाया। पाकिस्तान ने भी कोई मिसाइल फेंकी, हमारा जरूर एक प्लेन गिर गया, अभिनंदन गिर गए, यहाँ पाकिस्तान के हाथ लगे। पीएम मोदी ने नेक्स्ट डे पाकिस्तान की तरफ सारी मिसाइलें टाल दी। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सूद सर, मोदी जी के आने के बाद सारी चीजें बदल गई हैं, मिसाइलें तांग दी थी और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि कत्ल की रात है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। मैं ये जानना चाहूंगा, अधीर रंजन चौधरी ने फिर ये मुद्दा उठाया संसद में और उसने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी वो कभी हुई ही नहीं है, प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए ये बात तो आपके सत्यपाल मलिक भी कह गए, मैं पहले सत्यपाल मलिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि सत्यपाल मलिक को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया गया और ये उम्मीद थी कि ये अपना काम ठीक से करेंगे, जबकि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, गवर्नर के लायक के आदमी नहीं थे और बनाया ऐसे था कि ये कुछ जो जाट है उनको खुश करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ जाट नाराज थे, जब से हरियाणा के अंदर नॉन जाट का सीएम बना डाइल्यूट किया जाए, इनको वहां पे बना दिया और इन्होंने वहां पे जाकर के कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट नाराज हो गई। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि ये कुछ उल्टी चीजों में लगे हुए, ये फारूक अब्दुल्ला से एक डील करने की कोशिश में लगे हुए और कुछ धंधे की बात थी वहां, मैं उसके बारे में पूरी बात नहीं करूंगा। तो इन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन ये समझे नहीं, उसके बाद इन्होंने इनको दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर दिया था गवर्नर और ये उनको पसंद नहीं आया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से नहीं चाहती थी कि वहां का जो एलजी हो या गवर्नर हो वो फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती से किसी एजेंडे में बात करे, और सत्यपाल मलिक ने ये करके एक अपनी गरिमा को तोड़ा। फिर बाद में उन्होंने एक एलिगेशन लगा दी कि यहाँ पे जो अटैक हुआ था पुलवामा का वो इनकी गलती थी या इनकी नेग्लिजेंस थी। एक्चुअली क्या है कि हमारे लाखों ट्रुप हजारों ट्रुप जाते हैं कश्मीर के अंदर और जो ट्रुप जाते हैं वो बाई रोड जाते हैं, और एक बार बात भी हुई थी कि इनको बाई एयर भेजा जाए क्योंकि रास्ते में रिस्क भी है, लेकिन ये फिजिबल नहीं था क्योंकि एक बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी इंसिडेंट हुई थी जब आर्मी को शिफ्ट किया जा रहा था ट्रक्स के द्वारा, तो वहां पे एक मिलिटेंट अटैक हो गया और हमारे आर्मी के लोग मर गए, लेकिन वो एक स्ट्रे इंसिडेंट थी और वहां पे उन लोगों को या जो मूवमेंट करनी थी उस एरिया में वो उन्होंने एक प्लेन से हेलीकॉप्टर से करनी शुरू कर दी, लेकिन कश्मीर के अंदर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट होती है ट्रुप्स की, और ये तो है नहीं कि आपने एक बार भेजा तो यहाँ पे हजारों ट्रुप जाते हैं और आते हैं। और इसी तरीके से जो सीआरपी का करवाया था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो आई लेकिन कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ध्यान जरूर रखा गया लेकिन चूक हो गई। देखिए आप पे जब गोली चलाई जाती है आप 10 गोलियों को रोक सकते हैं, 11वीं गोली हो सकता है कि आपके सिस्टम से बाहर निकल जाए, और वहां पे यही हुआ। और उस टाइम पे जो मुफ्ती की गवर्नमेंट थी कश्मीर के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, ये जो मिलिटेंट अटैक हुआ था और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया, मोदी ने कहा कि पाकिस्तान बहुत भारी गलती कर चुका है। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, उससे पहले मनीष शंकर अय्यर वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान जाके उन्होंने कहा जी आपको कुछ करना पड़ेगा मोदी को हटाने के लिए, अदरवाइज तो जीत जाएगा इलेक्शन के अंदर। तो पाकिस्तानियों ने कहा जी हम क्या करेंगे, आप कुछ करिए। बरखा दत्त ने भी कुछ ऐसी बात की थी कि पाकिस्तान को कुछ बड़ा करना पड़ेगा अगर मोदी को दोबारा पावर में नहीं आना, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी और उनको था कि मोदी कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने पहली बार तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने सारे अपने टैंक लगा दिए थे बॉर्डर पे, इवन अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के टैंक सारे बॉर्डर के ऊपर डिस्प्ले कर दिए थे और पूरी इन्होंने अपनी आर्मी लगा दी थी बॉर्डर पे कि अब घुस के दिखाओ। मोदी के लिए भी प्रॉब्लम थी, हमारी एजेंसीज के लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर आपने रास्ता ढूंढना, रास्ता तो आप ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले देखा गया कि यहाँ पे कैसे अटैक किया जाए, क्या कोई नेवल फोर्स भेजी जाए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मेन बात थी कि आपने अटैक किस पे करना है, अटैक पाकिस्तान पे नहीं करना, अटैक करना है आपने मिलिटेंट कैंप्स के ऊपर। तो रॉ ने इनको 15 कैंप्स की पूरी डिटेल दी, रॉ के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि रॉ के कहां कहां पाकिस्तान के अंदर कैंप्स हैं मिलिटेंट के। तो रॉ ने इनको तीन जो सिचुएशन थी या तीन प्लेसेस थी उनकी इन्फॉर्मेशन थी, तीन बड़े कैंप्स थे और बाकी छोटे थे। तो पीएम मोदी ने कहा भाई ऐसा है कि अटैक बड़ा हुआ है तो रिप्लाई भी बढ़ा देना पड़ेगा। तो एक था कोई नल्ला करके जगह है पीओके के अंदर, पीएम मोदी को उसकी ब्रीफिंग की गई, पीएम मोदी ने कहा नहीं ये मुझे एक मैसेज भेजना पाकिस्तान को कि अटैक पाकिस्तान के अंदर हो, पीओके के अंदर नहीं हो। तो दो जगह चुनी गई जहां पे जैश ए मोहम्मद के कैंप से, एक था भावलपुर और एक था बालाकोट। भावलपुर कन्वीनियंट था अटैक करने के लिए, नजदीक भी था, लेकिन वो पंजाब प्रोविंस के अंदर था और उसके आसपास एक तो सिनेमा घर था, साथ में वहां पे काफी पॉपुलेशन भी थी, पॉपुलेटेड एरिया में था वो। तो पीएम मोदी ने कहा कि भाई यहाँ पे अगर अटैक होगा तो यहाँ पे सिविलियन मारे जाएंगे, हमारा पर्पस पाकिस्तानियों को तो हर्ट करने का नहीं है, हमारे को तो मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक करना है। पाकिस्तान के जरूर लोग हमसे नफरत करते हैं क्योंकि उनको ऐसी ब्रीफिंग दी जाती है, ऐसी उनको टीचिंग दी जाती है, लेकिन हर एक पाकिस्तानी खराब नहीं है और मैं किसी सिविलियन को मारना नहीं चाहता। तो उसके बाद देखा गया कि आपका बालाकोट,
बालाकोट एक जो था वो खैबर पख्तूनख्वा में था और एक आइसोलेटेड जगह में था। यहाँ पे 8 या 10 किलोमीटर आपको चढ़ाई पे जाना पड़ता था, उसके बाद एक कैंप पड़ता था, साथ में कोई सिविलियन पॉपुलेशन नहीं थी, ना साथ में कोई मिलिट्री का या आर्मी का कोई कैंप था। तो इसको सिलेक्ट किया गया और देखा गया, डेट जब चुनी गई तो देखा गया कि यहाँ पे तो 300 मिलिटेंट इस कैंप में रहते हैं और इस टाइम पे 125 मिलिटेंट उन्होंने एक दिन पहले बालाकोट के अंदर एंटर करना था, नया वहाँ पे उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। तो यहाँ पे तीन टाइप की ट्रेनिंग होती थी, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग टर्म। तो उस टाइम पे ये उम्मीद लगाई कि यहाँ पे 300 इस टाइम पे मिलिटेंट है और मिलिटेंट के लीडर्स भी यहाँ पे होंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और नेक्स्ट डे ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। तो उस टाइम पे बालाकोट की स्ट्राइक प्लान की गई और आपको पता है कि यहाँ पे मिराज भी गए हमारे, हमारे यहाँ पे MiG-29 गए और इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर जो हमारी एयर स्पेस थी, जो प्लेन उड़ाए वो दिल्ली से नहीं उड़ाए बल्कि पीछे से उड़ाए गए, सहारनपुर से, आपके जयपुर से और कई जगह से और आगरा से आए, और इंडिया के अंदर भी यहाँ पे हमारे प्लेन घूम रहे थे जो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ। अवाक टाइप के प्लेन, अवाक जो हमारा एक सिस्टम है उसके वो प्लेन के ऊपर लोडेड था, वो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं चला क्योंकि पूरे एरिया के अंदर क्लाउड बिछे हुए थे। और उस टाइम पे जो मेन आदमी जिसको ऑपरेशन का जाय दिया गया था उसने रिटायर होना था नेक्स्ट डे, उसकी फेयरवेल पार्टी भी थी, लेकिन उस टाइम पे जो एयरफोर्स के चीफ थे वो उसकी पार्टी अटेंड करने गए ताकि किसी को शक ना हो कि कोई यहाँ प्लानिंग चल रही है। और पीएम मोदी उस टाइम पे दिल्ली से बाहर थे और पीएम मोदी अपनी मीटिंग से एड्रेस कर रहे थे जगह जगह में जाकर के। इलेक्शन जो अटैक से कुछ देर पहले पीएम मोदी दिल्ली में आ गए और जब अटैक लॉन्च किया गया रात को तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो ट्रैक नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। एक तो मूवमेंट नहीं देख पाया, हमारे कुछ प्लेन चले गए भावलपुर की तरफ तो पाकिस्तान के जो प्लेन थे इंटरसेप्ट करने के लिए भावलपुर की तरफ भाग गए और दूसरी तरफ हमारे प्लेन चले गए बालाकोट की तरफ जो मेन हमारा ग्रुप था और वहां जाकर स्ट्राइक करके वापस आ गए। अब बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि कितने लोग मारे गए, कुछ ने कहा जी जैसे कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कहा जी कुछ पेड़ गिरे हैं, पाकिस्तान ने भी एडमिट नहीं किया। लेकिन जो NTRO है एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो शायद कुछ साल पहले ही बनी थी, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की, वहां पे उस टाइम पे ये पता चला कि 350 मोबाइल वो डेड हो जो उस टाइम पे एक्टिव थे क्योंकि वो NTRO आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करता है, तो वो चेक किया और यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 300 लोग मरे हुए क्योंकि जो बालाकोट था यहाँ पे रॉ के लोग भी बैठे थे, हमारे एजेंट्स उसके पास थे, उन्होंने सारी की सारी फिल्म्स दे दी, पिक्चर्स दे दी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 30-40 एम्बुलेंस आ गई और एम्बुलेंस आकर के एक 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 एम्बुलेंस के अंदर दो दो तीनों को उठा के ले गए, पेड़ उठाने थोड़ी आएगी एम्बुलेंस। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन थी कंफर्म हो गई कि ये अटैक हुआ, इंडिया ने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। नेक्स्ट डे पाकिस्तान के प्लेन आए, इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश की, वो एक्चुअली एक शो केस था या शो दिखाने की बात थी क्योंकि उनको अपनी नाक तो बचानी थी ना, जैसे भी ईरान के साथ पाकिस्तान का जो ईरान ने जब अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी कोई मिसाइल फेंकी, चाहे वो अपने एरिया में फेंकी लेकिन अपने लोगों को बता दिया कि हमने मिसाइल फेंक दी ईरान के ऊपर, तो वहां भी वो प्लेन आया। एक्चुअली उस टाइम पे हमारे पास हमारी एयरफोर्स काफी वीक थी, हमारे पास कोई नए प्लेन नहीं थे, कम से कम 15-20 साल से हमने कोई नए प्लेन नहीं खरीदे थे, रफाल भी नहीं थे, MiG-29 मेनस्टे था और सुकोई जरूर थे लेकिन सुकोई जो है वो डॉग फाइट के लिए सूटेबल नहीं है। हमारा जरूर एक प्लेन गिर गया, अभिनंदन गिर गया, यहाँ पे पाकिस्तान के हाथ लगे। यहाँ पे बहुत चिंता थी लोगों के अंदर कि हमारा एक पायलट चला गया पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान का एक जो F-16 था वो भी मारा गया इस प्लेन के इस अटैक के अंदर जब डॉग फाइट हुई, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने मान लिया उनका प्लेन गिरा है, उसकी फोटो भी आ गई, लेकिन हमारे कांग्रेसी नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान का प्लेन गिरा है, उनको अभिनंदन की याद है। तो उस टाइम के पे क्या हुआ कि हमारा अटैक तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन पीएम मोदी ने नेक्स्ट डे पाकिस्तान की तरफ सारी मिसाइलें टाल दी और पाकिस्तान की ISI को एक रिपोर्ट आई, उनके पास रिपोर्ट आ गई कि इंडिया की मिसाइल हमारी तरफ लग गई हैं और वो हमारे पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। साथ में इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी खेलनी शुरू कर दी, अरब कंट्रीज को ब्रीफ करना शुरू कर दिया, इवन US को इस चीज के बारे में पता था कि इंडिया अटैक करने की प्लान कर रहा है लेकिन उनको एग्जैक्ट चीज नहीं पता थी, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था। तो उसके बाद जब ये सारा काम हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई इमरान खान को, इमरान खान ने जो बात कोशिश की पीएम मोदी से बात करने की लेकिन जब वो बात करना चाहते थे पीएम मोदी अवेलेबल नहीं थे और एक मैसेज दिया गया इमरान खान को जो आपने बात करनी है आप एक मैसेज छोड़ दो, पीएम मोदी जब अवेलेबल होंगे आपसे बात करेंगे। एक्चुअली इमरान खान को डर ये लगा था कि उनकी ISI ने कहा था कि इंडिया आपके ऊपर अटैक करने वाला है और इमरान खान इससे घबरा गए थे और ISI भी घबरा गई थी कि उनको लगा कि अगर वार हो जाएगा तो पाकिस्तान बर्बाद होगा, पाकिस्तान उनको धमकी देता था कि हम आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे लेकिन एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरने का मतलब है कि पूरा पाकिस्तान तबाह और इंडिया पूरा तैयार भी था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो इनके हाई कमीशन थे दिल्ली के अंदर उन्होंने हमारे हाई कमीशन जो पाकिस्तान के अंदर है बिसारिया उनसे बात की और बिसारिया ने यही कहा कि पीएम मोदी अवेलेबल नहीं, आप इन्फॉर्मेशन छोड़ दो मेरे पास, लेकिन कोई उनको दोबारा कॉल बैक नहीं की। और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस कर दिया, उससे पहले क्या था कि जो US और UK के जो एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से बात की कि पाकिस्तान आपकी शर्तें मानने को तैयार है और
पाकिस्तान पे अटैक न करना। और इमरान खान ने नेक्स्ट डे अनाउंस कर दिया कि हम अभिनंदन को छोड़ने को तैयार है एज ए पीस जेस्चर। एक्चुअली कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए कत्ल की रात थी। उसको समझ आ गया था कि अगर हमने इस टाइम पे कुछ आनाकानी की, हमने कोई गलती की, तो इंडिया हमारे पे मिसाइल अटैक कर देगा और इंडिया पाकिस्तान से पावरफुल तो है ही। तो इन सबको बचने के लिए पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ दिया और बाकी आपको पता ही है। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि 300 मिलिटेंट मारे गए पाकिस्तान के, और अधिरंजन और कांग्रेस और बाकी लोग ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लॉयल्टी हमारे देश के साथ ही है। उनकी उनका जो एजेंडा है वो है पीएम मोदी को टारगेट करना, और पीएम मोदी को टारगेट करते करते वो हमारी आर्मी को इंसल्ट करते हैं, हमारी एयरफोर्स को इंसल्ट करते हैं, जान बूझ के या अनजाने में। और इसीलिए आज ये पॉलिटिकली खत्म होने जा रहे हैं। आप देखिएगा कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी एरेस हो जाएगी बहुत से एरिया से, और कांग्रेस पार्टी इसीलिए बुरा हाल है इनका, क्योंकि ये देश के हित में बात नहीं करते, देश के खिलाफ बात करते हैं। और जो पुलवामा हुआ था वो होना था, लेकिन उसके अंदर जो जैसे आपके मलिक साहब ने बात की, ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, परेशान आदमी है, इनका अपना एजेंडा है, इनको पैसे कमाने थे, इनको धंधा करना था, वो धंधा नहीं कर पाए, और कांग्रेस पार्टी को इंडिया के अंदर रूल करना है, मिस रूल करना है, रूल नहीं करना, और वो मोदी को सिर्फ चैलेंज करना चाहते हैं, उनकी सब चीजों को नेगेटिव करना चाहते हैं, नेगेट करना चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, आपने भी देखा होगा पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर पूरी डिस्कशन हुई थी इस इशू के ऊपर कि इंडिया हमको मार के चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कशन ये भी हुई थी इंडिया मार के चला गया, और ये भी कहा था कि डर गए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के ही मंत्री ने कहा था कि भैया खौफ करो और जल्दी से जल्दी उस बंदे को रिहा करो, जो उन्हीं के लैंग्वेज थी। मतलब पाकिस्तान में बैठे लोग कह रहे हैं भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है, भारत ने ये धमकियां दी, भारत ने मिसाइलें तान दी, लेकिन राहुल गांधी, केजरीवाल, अधिरंजन चौधरी, सत्यपाल मलिक और बहुत सारे लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो फैसले लिए गए हैं मोदी जी के टाइम पे, और मोदी जी के टाइम पे फैसलों को कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।